भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो ने गुरुवार को चंद्रमा की सतह की पहली तस्वीर साझा कर दी। इस तस्वीर को चंद्रयान 2 के IARS ने ली है। IARS को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे वो चंद्रमा की सतह से परिवर्तित होने वाले सूर्य के प्रकाश को माप सके। इसरो ने बताया कि IARS को चंद्रमा पर सूर्य की परिवर्तित होने वाली किरणें, चांद की सतह पर मौजूद खनिजों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। इससे पहले 4 अक्टूबर को इसरो ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरे से ली गई तस्वीर भी जारी की थी। इस हाई रिजोल्यूशन कैमरे ने चंद्रमा की सतह की तस्वीर ली थी। इस तस्वीर में चंद्रमा की सतह पर बड़े और छोटे गड्ढे नजर आ रहे थे। इसरो ने ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरे से ली गई तस्वीरें भी जारी की थी। ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरे, जिसे OHRC भी कहते हैं, चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 2 की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें मुहैया कराता है। ये पैनक्रोमैटिक बैंड पर संचालित किया जाता है। इसरो ने यह भी साफ किया था कि शुरुआती आंकड़ों के अनुसार हमारे मिशन में सिर्फ 2% की ही कमी थी। 98% मिशन सफल रहा है। उसी के आधार पर ही इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन ने लोगों से ये बात कही थी। तब इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन ने कहा था कि NRC की पूरी जांच के बाद हम अपने ऑर्बिटर से मिले सभी डेटा और तस्वीरें आम जनता के लिए जारी कर देंगे। रिव्यू कमेटी NRC अब भी चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की खराब लैंडिंग के आंकड़ों और तस्वीरों की जाँच पर काम कर रही है। फिलहाल चांद की सतह की पहली तस्वीर तो इसरो ने जारी कर दी है। करवा चौथ के पावन त्यौहार पर इसरो ने देशवासियों को एक बेहतरीन तोहफा दिया है। LD News Room की रिपोर्ट।